नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है मारुति स्विफ्ट BS6 पेट्रोल। आज इसकी पूरी सर्विसिंग के बारे में बताएंगे। ये तीसरी सर्विस है इसकी, 8000 किलोमीटर गाड़ी चली है टोटल। तो इसमें क्या क्या ये चेंज करते हैं बताता हूँ। गाड़ी हमारी लिफ्ट पे उठा ली ऊपर, ये टायर इन्होंने पीछे वाले टायर खोल दिए हैं, ये वाला आगे वाले भी टायर खोल दिए हैं इस गाड़ी के चारों। अभी ये ड्रम निकाल दिया पीछे वाला, अभी ब्रेक शू की कंडीशन देख ली है, अभी ये फ्रंट के डिस्क पैड निकाल रहे हैं, डिस्क पैड की कंडीशन देखेंगे और किस तरीके से क्या क्या सर्विस में होता है वो बताएंगे। ये डिस्क पैड निकाल दिए हैं, यहाँ पत्ती से डिस्क पैड निकल गए। अभी ये देखिए, इसको देखा है पैड ठीक है, अभी इस पर एमरी पेपर मार देंगे। ये देखो इस तरीके से एमरी पेपर मारना है और दोबारा से इनको इसी जगह जैसे निकाले थे वैसे ही लगा देना है। ये होता है सर्विस में, तीसरी सर्विस में। तो ये देखिए हमारे डिस्क पैड लग गए हैं आगे के। डिस्क पैड लगाने का तरीका ये है, अब 12 नंबर का नट है, 12-13 की रिंग की मदद से इसको टाइट कर देंगे। अभी ये पीछे वाले लाइनर हैं, ब्रेक लाइनर, इन पे भी एमब्री पेपर मार दिया। एमब्री पेपर मार के इसमें भी ड्रम लगा देंगे, फिर हमारा इंजन ऑयल का काम है। अभी इंजन ऑयल का ये ड्रेन नट को खोल दिया है, ये ड्रेन नट खोलना है और ये जो एक कैन है इसके अंदर कूलेंट और ड्रेन नट इसी में ये लोग डाल लेते हैं। तो ये ड्रेन नट खोल के इसमें इंजन ऑयल निकाल दिया है। ये देखिए इंजन ऑयल की कंडीशन ये है, इंजन ऑयल निकाल दिया गया है और ये तीसरी सर्विस है। तो ये इंजन ऑयल निकाल के इसी एक बैकेट में डाल लेंगे पूरा। और ये फिल्टर है और इस फिल्टर को निकालना है, ये इंजन ऑयल फिल्टर है। इंजन ऑयल फिल्टर को खोलने का तरीका ये है, एक इसका पुलर होता है उससे हम खोल के इंजन ऑयल फिल्टर को पूरा खोल के बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से फिल्टर को बाहर निकाल दिया है और अब नया फिल्टर जो है वो ये रहा इस डेट को बना हुआ ये फिल्टर, और ये फिल्टर का पार्ट नंबर। अब इस फिल्टर को इस जगह लगा देंगे और ये फिल्टर लगा दिया है। अभी इसको पुलर की मदद से टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये फिल्टर फट जाता है फिर दिक्कत होती है। तो इस पुलर फिल्टर को लगा दिया है, नीचे ड्रेन नट भी लगा दिया है, टायर लगा दिए हैं गाड़ी के। अब थोड़ा सा इसको नीचे करके फिर एयर गन की मदद से ये हमारा इंजन, ये गेयर बॉक्स का ये ड्रेन नट है, वहाँ से हम लेवल चेक कर सकते हैं। और ये डीजल टैंक है, यहाँ स्टेपनी है और ये पूरा नीचे का व्यू है। एक बार गाड़ी नीचे से ऐसी दिखती है। और ये जो पत्ती है जो क्लैंप, ये टूट गया था यहाँ से लॉक, तो इसको लगा दिया है। इस लॉक को नया, ये लूज है, इसमें दूसरा लॉक लगाएंगे। और इस तरफ भी ये हमने जो लूज वाला लॉक था उसको हटा के ये दूसरा लॉक लगवा दिया है। जो प्लेट है वो पूरी अच्छी तरह से फिट हो गई है, जो नीचे प्लास्टिक की प्लेट रहती है। ये दूसरी तरफ भी एक लॉक कम था तो उधर भी ये लॉक लगा दिया है, अभी प्लेट हिल नहीं रही है। तो अब हम इस गाड़ी के एयर गन की मदद से चारों चक्के टाइट हो गए हैं। चारों चक्कों को टाइट करना है, चारों चक्कों को टाइट करने के बाद गाड़ी को नीचे उतारना है। एयर गन की मदद से टाइट कर लिए, अब गाड़ी हमारी नीचे आ गई है। गाड़ी बिल्कुल डाउन करने के बाद फिर एक बार गोटी से एक बार इसको पूरा चेक करना है। पूरे चेक करने के बाद फिर इसमें व्हील कवर लगा देना है, दोनों तरफ के व्हील कवर लगाएंगे। व्हील कवर लगाने के बाद फिर इसमें इंजन ऑयल डालेंगे। ये देखिए व्हील कवर लगा दिया है, इस तरीके से चारों व्हील कवर लगा दिए। अभी ये इंजन ऑयल इसमें 3 लीटर डलता है, ये ड्रम के अंदर से लेके आए हैं। तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है कि कभी कभी सर्विस में इंजन ऑयल डालते नहीं है कई एजेंसियों में, मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए आप खुद अपनी आँखों के सामने तेल डलाएं। तो इसमें ये देखिए इंजन ऑयल और ऑयल पूरा डाल दिया है इस तरीके से। ऑयल 3 लीटर इसमें तेल आता है, 3 लीटर इसमें तेल डाल दिया। आप डिपस्टिक से चेक कर लेंगे कि तेल, थोड़ी देर में चेक करेंगे क्योंकि ऊपर डाला है, तो थोड़ा आराम से नीचे पहुंचने दें डिपस्टिक तक। और ये एयर फिल्टर साफ होगा और ये डिपस्टिक निकाल के ये देखिए पूरा लेवल पूरा है और हमारा इंजन ऑयल पूरा डल चुका है। तो इस तरीके से होती है सर्विस। तो अभी एयर फिल्टर साफ होके लग जाएगा। अभी इसका बोनट टेढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी जगह रहती, गैप रहता है। तो अभी ये वेल्डर आए हैं और ये इसको इस तरीके से थोड़ा लेवल में लाएंगे, थोड़ा झुका के और इस तरीके से दबा दबा के ये बोनट को लेवल में ले आएंगे। तो ये अभी देखा इस तरीके से इन्होंने, क्योंकि इसका यार बड़ा हल्का है सिस्टम, ये देखिए ये लेवल में आ गया है। तो अभी हमारा काम पूरा हो गया है, सर्विस हमारी 40 से 45 मिनट लगे हैं, पूरी सर्विस हो गई है। अभी हम जाएंगे ऑन टेस्ट के लिए। शायद आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, और सर्विस में क्या क्या होता है, किसी गाड़ी की सर्विस के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हम ऑन टेस्ट के लिए निकल रहे हैं और चेक करते हैं गाड़ी कैसी है कैसी नहीं।
तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी वाशिंग क्या है, तुम मैं वाशिंग करा नहीं रहा हूँ क्योंकि गाड़ी हमारी ठीक है, उसके पैसे फालतू लगते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।